आज का ये मीटिंग। तो सबको सुप्रभात, नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वनकम और सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप आज इस सुबह को जूम मीटिंग में आप सब स्वागत हैं। और जैसे कि हर बृहस्पतिवार को थर्सडे को एग्रीकल्चर या एनिमल केयर के संबंध में जूम मीटिंग होता है, तो आज हम एग्रो केयर के संबंध में आज मैं बात करने वाला हूँ। मैं आपका प्रिय सर्वस्वीयन पीवी राजकुमार आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ आज के जूम मीटिंग पे। दोस्तों, जैसे कि हमको बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर ये प्रोडक्ट किसके लिए इस्तेमाल करना है, ये प्रोडक्ट किसके लिए इस्तेमाल करना है, तो मैं सोचा पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में आप सबको जानकारी दे, ताकि आप समझ पाए कि हमारे प्रोडक्ट कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ताकि बाद में मैं हर एक सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर या जितने भी दाल वाले हैं जो जो उत्पाद होते हैं उसके बारे में अलग अलग से मैं बात करूं। तो शुरू करते हैं, जरा चैट बॉक्स में दीजिएगा कि शुरू करूं कि नहीं। कृपया करके चैट बॉक्स में दीजिएगा शुरू करूं कि नहीं। आप सब जोश में है कि नहीं? चैट बॉक्स में जरा कृपया करके टाइप करिएगा शुरू करूं कि नहीं। मेरी आवाज पहुंच रही कि नहीं आपके पास? एक V2101 देख रहे हैं, हमारे प्यारे बहन लोग काफी उत्साहित से बैठे हुए हैं ग्रुप में, बड़ा अच्छा लग रहा है। V2101 आप सबको मेरी तरफ से, हमारे SHPL प्रशिक्षण विभाग से आप सबको स्वागत है। V2101 बड़ा अच्छा लगता है जब इतने उत्तेजित से सुबह सुबह बैठ के सुन रहे हैं जूम मीटिंग, तो हम लोग को भी जोश आ जाता है कि और अच्छी तरह से आप लोग सबको मीटिंग करवाए। तो शायद V2101 सुन रहे कि नहीं पता नहीं है, लेकिन यदि आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं तो कृपया करके थम्स अप दीजिएगा या हाथ उठा के जरा सा बोलिएगा कि जय सर्वश्री। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो चलिए मैं अभी शेयरिंग में चले जाता हूँ। पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे सर्वश्री में 11 प्रोडक्ट्स हैं, 11 प्रोडक्ट्स हैं, और अभी तो 12 अवेलेबल है क्योंकि ह्यूमस भी अवेलेबल है अभी। तो कृपया करके जिस जो ह्यूमस चाहते हैं तो कृपया करके ऑर्डर तुरंत लगा दीजिएगा क्योंकि स्टॉक खत्म होने वाला है। ये एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि सर्व ह्यूमस अवेलेबल है, जो 2.5 किलो वाला है वो अभी भी अवेलेबल है, तो थोड़े से स्टॉक अवेलेबल है। तो कृपया करके जो ह्यूमस पे जाकर काम करते हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत ऑर्डर डाल दीजिएगा, स्टॉक बहुत लिमिटेड है। तो बाद बाकी जो जितने भी 11 प्रोडक्ट है उसके बारे में जरा सा एक PDF को मैं शेयर करता हूँ, और एक एक प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करने में बताऊंगा। उसके बाद खरपतवार, सॉइल मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट और आपका वाटर मैनेजमेंट के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार में बताऊंगा, लेकिन बहुत ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि बहुत बार मैं अपने गुड मॉर्निंग मैसेज में ये सबको मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े नहीं है व्हाट्सएप पे, आप सबके लिए मैं ये चीज दोहराना चाहता हूँ। तो चलिए शेयर करता हूँ आज का जो PDF है। देखिए दोस्तों, आपको ये समझना है कि ये सर्वश्री के एग्रो प्रोडक्ट क्या है। बड़ा गौर से आपको मैंने बार बार बोलता हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है। दूसरे कंपनी जैसे ये सर्वश्री अपने को ये प्रोडक्ट नहीं दिया है, इसके पीछे काफी रिसर्च कर चुका है, काफी एक्सपर्ट ने काम किया है इस प्रोडक्ट पे, उसके बाद ये हम सबको सौंपा गया है। हमारे आदरणीय गोपाल सर जी जो है हमेशा हमेशा एक एक प्रोडक्ट को अच्छी तरह से रिसर्च करवा के उनके कैसे उनकी प्रोडक्ट पे आप सबको लाभ पहुंचाएगा इस पे ध्यान देके उसके बाद ही आपको सौंपता है।
तो ये चीज जो हमारे एग्रो केयर प्रोडक्ट्स है ना सर, मैं एक चीज आपको बताता हूं, टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल फार्मिंग टिकाऊ कृषि पर आधारित है। अब ये टिकाऊ कृषि क्या होता है कि ये जमीन को ऐसा मजबूत और पौष्टिकार कर देता है ताकि आप जब अगले फसल जब तैयार हो जाएगा उसके लिए आप जो भी बोएंगे, जो भी सोना ही उगेगा। ये वातावरण से कंट्रोल करता है, पानी के किल्लत से बचाता है, आपके रासायनिक पदार्थों से आपको छुटकारा देता है और पौष्टिकार पैदावार देता है। तो और किसान के जिंदगी में बदलाव लाता है, खुशियां लाता है। यही एक चार स्तंभ है सर्वश्री के एग्रो केयर प्रोडक्ट के बारे में। तो कृपया करके जरा सा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अभी हमारे पास जो 11 प्रोडक्ट्स है या 12 यूमस के साथ 12 प्रोडक्ट्स है, तो ये कौन सा जमीन में देना है, कौन सा पौधों पे पिचकारी करना है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरत है कि नहीं। कृपया करके चैट बॉक्स में हाँ कि नहीं बताइएगा। यदि बहुत सारे लोगों को, अब तक हम लोग 6 महीने से जूम मीटिंग कर रहे हैं तो शायद बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, फिर भी जो नए लोग जुड़े हुए हैं, जो पहली बार हमारे जूम मीटिंग में हैं, इन सबको भी पता चल रहा है। तो मैं सिर्फ से आपको बता देता हूं कि हमारे जितने भी 12 प्रोडक्ट में पहला है आपका ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स। देखिए ये ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स करता क्या है, ह्यूमिक मतलब ही है आपके जमीन में नमी पैदावार, मॉइस्चर पैदावार करने के लिए बड़ा ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स। अब कंपनी ने आपको चॉइस भी दे दिया है, एक तो 5 पेटी ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और एक लीटर ह्यूमिक लिक्विड। जिसको लिक्विड इस्तेमाल करना है वो लिक्विड इस्तेमाल करेगा, जो ग्रैन्यूल्स इस्तेमाल करना है वो ग्रैन्यूल्स इस्तेमाल करेगा। ह्यूमिक लिक्विड फटाफट, मतलब आपका जुदाई के समय इस्तेमाल नहीं किए, थोड़ा देरी से शुरू किए, तो उनको आप ह्यूमिक लिक्विड दे दीजिएगा, एक ही जैसा काम करेगा, क्योंकि ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स धीरे से काम करेगा लेकिन जबरदस्त काम करेगा। तो यदि शुरुआत से, यदि पैदावार की शुरुआत से इस्तेमाल करने वाले के लिए ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स इस्तेमाल रिकमेंड करिएगा, और जो बीच में जुड़े हुए हैं ऑलरेडी बो दिए हैं तो उनके लिए आप ह्यूमिक लिक्विड इस्तेमाल करवाइएगा ताकि रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिल जाए, क्योंकि वो जमीन में चले जाता है। तो दोस्तों, जमीन में डालने वाले हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, एक है सर्वा ह्यूमस, जो मैं कहा कि थोड़े से स्टॉक है, कृपया करके उठा लीजिएगा, जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और आपका नाइट्रोजन तो भरपूर है। तो ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स आप सर्वा ह्यूमस को तो ले ही दीजिएगा। और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स जो है, जो रूट्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये रूट्स के लिए है, जी हाँ रूट्स के लिए तो है ही है, लेकिन जब पेड़ बड़ा होता है और पौष्टिकार खींच लेता है पूरा, तब रूट्स को फैलना बहुत ही अनिवार्य है। तब हमारे पास दूसरा एक प्रोडक्ट है ब्लैक मैजिक, तो मैं जरा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। तो शुरुआत मैं ह्यूमिक ग्रैन्यूल से करता हूं। तो ये क्या करता है कि जमीन को जर्जरा करता है, क्योंकि जमीन में पानी का सिंचाई सही तरह से होना चाहिए। पानी जमीन के अंदर जाने से ही आपका पैदावार एकदम अच्छी तरह हो। यदि पानी जम जाता है आपके मिट्टी के ऊपर, तो आप देखोगे कि जब जब बारिश होता है तो वो बारिश का पानी पूरा मिट्टी को बह के ले जाता है, तो इससे पूरा फसल नष्ट हो जाता है। तो ये ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स है, ह्यूमस क्या करता है कि मिट्टी को जर्जरा कर देता है ताकि आपका जो पानी है वो अच्छी तरह से मिट्टी में चले जाए। और दूसरा है कि ये जो हवा का पहुंचना, हवा जमीन के अंदर जाना बहुत ही अनिवार्य है, और ये है ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स का मेन जॉब है कि जर्जरा करता है,
पानी भी अंदर जाने का सुविधा रख करता है और हवा भी पहुंचाता है जमीन के अंदर, ताकि जो सूक्ष्म जीवन है वो भी अच्छी तरह फैले और जमीन को पौष्टिकार बनाए। समझ रहे हैं ना सर? मैं रिपीट करूं कि क्या है, जरा समझ गए तो जरा सा चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि समझे कि नहीं। ये एक्चुअली दिखेंगे कि कंडीशनर है, सॉइल कंडीशनर जिसको बोलते हैं, जैसे हम बालों को डालते हैं ना शैम्पू करने के बाद कंडीशनर, ताकि हम मैनेज करें, बालों को मैनेज करें, वैसे ही ये एक सॉइल कंडीशनर है ताकि हम पौष्टिकता, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन ये सब देते हैं, लेकिन उसको कंडीशनर करने में कुछ न कुछ देते हैं, वही है हमारे ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स या ह्यूमिक लिक्विड। ये आपको जमीन के अंदर डालना है और कैसे डालना है, 5 kg का ये बोरा है या बोरी है, जो भी है, थैली है, जो आपको 1 acre में डालना है। कब डालना है आपको? जब जमीन के जोतने का समय आपको इसको बिखेर देना है यूरिया के साथ। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जो पहले से हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं 3 बार अपने पैदावार में अपना, तो उनको ठीक है, लेकिन जो शुरुआत से अब तक अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया है उनको एक सलाह है। सलाह ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ आप रासायनिक पदार्थ को बंद मत करिएगा, दोनों साथ में दीजिएगा, आपका पैदावार देखिएगा जबरदस्त हो जाएगा। सर ये कैसा होगा? आप तो बोल रहे हैं रासायनिक पदार्थ को नहीं देना है, तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि आप रासायनिक पदार्थ को 30% कम कर दीजिएगा। मतलब आप यदि 1 बोरी यूरिया यूज करते हैं 1 acre में, 50 kg इस्तेमाल कर रहे हो तो 30% कम कर दीजिएगा, मतलब आप 30 से 35 kg ही इस्तेमाल करिएगा। अगले बार जब फिर से यूरिया डालोगे फिर से 30% कम कर दीजिएगा, मतलब 20 kg ही इस्तेमाल करिएगा। फिर से जब आप यूरिया डालोगे जमीन में फिर से 30% कम कर दीजिएगा, तो 5 से 10 kg डाल के छोड़ दीजिएगा। चौथी बार से आपको कोई भी रासायनिक पदार्थ डालने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट जो है बायो स्टिमुलेंट है, जो G2 और सर्टिफिकेट दे चुके हैं उसमें देखेगा कि ये जो है ये पूरे जैविक पदार्थ से बना हुआ है, ऑर्गेनिक है, और इसकी सर्टिफिकेट भी कंपनी आपको दे चुका है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अपने स्टेटों में आपको अपने एग्रीकल्चर जो ऑफिसर होता है उनसे एक स्टैंप लगवा लीजिएगा ये सर्टिफिकेट, अपने अपने राज्य के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके आप इस सर्टिफिकेट को मोहर लगा लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से अपने को ये सर्टिफिकेट मिल चुका है कि हमारे जो 9 products है उसका सर्टिफाई कर चुका है कंपनी ने। और दूसरा चीज है, आपको देखिए कंपनी आपको क्या बताती है कि सर ये 25 ml डालो, वो 20 ml डालो, लेकिन आपको एक शायद एक डाउट रहेगा मन में, सर डिब्बे में तो 5 ml लिखा है और आप बोलते हो 25 ml, तो ये कैसा हो सकता है कि नहीं? कितने लोगों को ये आपको ये डाउट आ रहा है जरा चैट बॉक्स में डालिएगा। सर डिब्बे में तो 10 ml लिखा है और आप बोलते हो 30 ml डालो, 25 ml डालो, तो ये कैसा? तो कृपया करके आप लोगों को ये डाउट आ रहा है तो कृपया करके चैट बॉक्स में कृपया करके मुझे बताइएगा कि हाँ कि ना, ये डाउट आप लोगों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी शुरुआत जो मैंने पहली हमारी एग्रो मीटिंग थी तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जिसमें मैंने साफ करके बताया कि ये चीज क्या है, क्यों हम लोग आपको ज्यादा देने बोलते हैं इनिशियली और बाद में आप डिब्बे में जितना बताया गया उतना ही आपको देना है। तो अब तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है, लोग सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे मुझे पता नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको 20 से 25 ml
आपको 15 लीटर में मिलाना है, लेकिन जब डिब्बे में देखते हो तो वहां पे 5 से 10 ml लिखा जाता है, तो ऐसा क्यों? आपके मन में सवाल उठता है कि नहीं? कृपया करके हाँ कि ना में जवाब दीजिएगा जल्दी करके। यस राहुल जी, आपको तो इस सवाल का डाउट आ रहा है। जी सर, रामज्ञ प्रसाद जी। जी, तो चलिए मैं ये डाउट का आपको क्लियर कर देता हूँ। ये डाउट कैसे क्यों आता है कि देखिए, हम जब शुरुआत में सर्वश्री के एग्रो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक तो किसान रासायनिक पदार्थ ही इस्तेमाल कर रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल से भी आप लोगों को बताया था इसके बारे में, लेकिन आज मैं नहीं बताऊंगा, आप सीधा मैं आपको बता दूंगा कि जब तक जमीन जैविक स्थिति में न आए, तब तक आपको अपने प्रोडक्ट कुछ ज्यादा ही देना है। धीरे धीरे जब आप रासायनिक पदार्थ को कम करके अपने प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करोगे 3 या 4 फसल के बाद, तब आप डिब्बे में जितना दिया गया है उतना ही आपको इस्तेमाल करना है। तब तक आपके जमीन में अम्लीयता, आपके जमीन के पीएच लेवल, आपके जमीन में प्रोबायोटिक, आपके जमीन में जितने भी खनिज पदार्थ चाहिए था, पौष्टिका चाहिए था, वो सबको यदि बरकरार रखना है तो आपको जरा सा ज्यादा अपना प्रोडक्ट देना है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट उत्तेजित करता है मिट्टी को, जमीन को, बायो स्टिमुलेंट जिसको बोलते हैं। तो आपको अपना प्रोडक्ट कुछ ज्यादा देना है, और धीरे 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 जब जमीन एकदम मजबूत हो जाता है, पौष्टिकार हो जाता है, तब आप डिब्बे में जितना लिखा है उतना ही इस्तेमाल करके आप अपने पैदावार को बढ़ा सकते हो और सुंदर तरीके से बना सकते हो। समझ गए? चैट बॉक्स में हाँ के ना बताइएगा, नहीं तो फिर से मुझे दोहराना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग यूमी ग्रैन्यूल्स 5 से 8 kg बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ 5 kg लिखा जाता है। तो ये 5 से 8 kg वाली बात जो है, आपको पहले तो जमीन को तैयार करने में लगता है, उसके लिए कुछ ज्यादा देना है, उसके बाद रासायनिक पदार्थ की साइड इफेक्ट्स को काटने में आपको हमारे प्रोडक्ट कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपने जमीन को एकदम सही तरह से रख पाए। ठीक है जी, तो चलिए आगे प्रोडक्ट में। ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ जमीन में डालना है। दूसरा प्रोडक्ट अल्टरनेटिव देखिए, कंपनी ने दिया है कि आपके पास यदि कोई किसी कारणवश कंपनी के पास स्टॉक नहीं है ग्रैन्यूल्स का, तो हम क्या करेंगे? ये नहीं कि हम किसान के पास सर स्टॉक नहीं है बाद में आएंगे। देखिए, आपके पास ग्रैन्यूल्स नहीं है तो यूमिक लिक्विड को इस्तेमाल करिएगा। कंपनी आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव दे दिया है। यूमिक लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में, जो मैंने पहले भी कहा था आपको, जो देरी से अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उनको यूमिक लिक्विड ही दीजिएगा। फटाफट जमीन में चले जाना है और एक काम करना, जैसे कि इंजेक्शन जब देते हैं तो इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रावेनस, एक नस में देता है, एक अपने मसल्स में देते हैं, तो मसल्स में देने से धीरे 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 काम करता है, आधे घंटे के बाद काम करता है, और यदि नस में इंजेक्शन दे तो वो तुरंत रक्तखून में मिल जाके आपको एक्शन देता है। वैसे ही है यूमिक ग्रैन्यूल्स और यूमिक लिक्विड। यूमिक लिक्विड काम करता है इंट्रावेनस सिस्टम के जैसे, जमीन में डालो और देखिएगा इमीडिएटली एक्शन शुरू। और यूमिक ग्रैन्यूल्स है धीरे 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 जमीन को पुरस्कार बताता है। समझ गए नहीं मेरी बात? दोनों एक ही है, सिर्फ ये लिक्विड फॉर्म में है, वो ग्रैन्यूल फॉर्म में है, दोनों एक ही जैसा काम करता है और जबरदस्त काम करता है। तो यूमिक ग्रैन्यूल्स को 300 से 500 मिलीग्राम आपको 1 एकड़ में डालना है, ये ऑलरेडी दे चुका है आपको। और यूमिक ग्रैन्यूल्स कभी कभी आप पौधों पे भी स्प्रे कर सकते हो, कृपया करके ध्यान दीजिएगा, पौधों पे भी आप यूमिक लिक्विड को स्प्रे कर सकते हो, मतलब तकरीबन 15 ml तक आप
15 लीटर पानी में, मतलब एक एक ml एक लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। ओके, अब आगे आ गया है ब्लैक मैजिक। बहुत सारे लोग इसको अनदेखी करते हैं, इस पॉटेड को, लेकिन दोस्तों बोलते हैं कि सर ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स तो रूट को करता है। दोस्तों जब बोने के समय तो रूट को बढ़ाता है, लेकिन जब पौधा जब बड़ा होता है तो पौष्टिकता ज्यादा खींचना पड़ता है, क्योंकि 5 साल का बच्चा और 30 साल का बच्चा क्या एक समान खाएगा? हाँ कि नहीं, जरा सा पूछे, जरा सा चैट बॉक्स में डालिएगा। 5 साल का बच्चा और 30 साल का जो युवक है, दोनों को एक समान खाते हैं? उनको दोनों को एक जैसा पौष्टिका नहीं। एकदम सही बात बोले हैं सर। तो यही आपको समझना है कि पौधों में भी जान है, ये भी मनुष्य जैसे ही ये करते हैं। तो आप जब शुरुआत में आप डाल दियो, तो जब उनको पौष्टिकता अधिक लगता है तो आपको जड़ से ही मिलता है और दूसरा कुछ नहीं। आप जमीन को तैयार कर देते हो, लेकिन जड़ को यदि मजबूत नहीं करोगे तो आपको पौष्टिकता कैसे पहुंचेगी? उसी लिए देखिएगा, मुरझा जाना, पत्ते पीले हो जाना, या फूल गिर जाना, फल गिर जाना, ग्रोथ नहीं होना, ये सब चीज एक ब्लैक मैजिक करता है। पौष्टिकता बढ़ाता है, हम जमीन में जब पौष्टिकता बढ़ाते हैं तो ब्लैक मैजिक द्वारा ही। कृपया करके समझने की कोशिश करिए ये। और एक चीज है, सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे लोग मैं देखा हूं ब्लैक मैजिक को पेड़ पौधों पे स्प्रे कर रहा है। नहीं 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 नहीं, पौधों पे स्प्रे इतना फालतू में, किसान के पास पैसा नहीं है, बेमतलब का उनको पौधों पे स्प्रे करने मत दीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जमीन में डालना है, और 80 ग्राम एक एकड़ बोने के समय दीजिएगा एक बार, और फिर से 45 दिन के बाद फिर से और एक बार आपको ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करना है। 80 ग्राम एक एकड़ के लिए है, 80 ग्राम एक एकड़ के लिए। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ यूज आप यदि पीडीएफ में देखोगे तो अलग है, मैं जैसा बताया हूं वैसा नहीं है, तो यहाँ जरा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। अब आप लोग जमीन में उतरे हो, आप जैसा चाहिए, यदि मेरी बात सुननी है तो मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि मैं तो जमीन में उतरा हुआ आदमी हूं, मैं जमीन से रिश्ता रखता हूं, मैं किसान से रिश्ता रखता हूं, और मैं प्रैक्टिकल मेरी सजेशंस है, मैं किताब से मेरी संबंध नहीं है। तो यदि आपको अच्छा लगा तो आप मेरी बात मान सकते हो, नहीं तो जैसे पीडीएफ में लिखा है आप वैसे भी करोगे तो आपको अच्छा सा परिणाम मिलेगा। ओके जी, तो मैं तो जमीन में उतरा हूं, मैं किसान से काम किया हूं, मेरी अनुभव से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कितना क्या देना है, और कुछ नहीं। और बात बाकी जो भी पीडीएफ में भी है वो भी सही ही है, लेकिन कभी कभी होता है कि किसान को जल्दी से कुछ एक्शन चाहिए, क्योंकि अपना भी बिजनेस, क्योंकि हम सब डायरेक्ट सेलिंग में है, हम यहाँ पे खेत की मूली खाने नहीं आए हैं, हम खेत से सोना उगाने आए हैं, और अपने जेब में भी कुछ उस सोने को अपने जेब में रखने भी आए हैं। तो रिजल्ट यदि फटाफट आना है तो आपको इस प्रोडक्ट को सही तरह से इस्तेमाल करने से मैं आपको दावे से बोल सकता हूं 100% से कि आपको रिजल्ट तो एकदम जरूर से मिलेगा, चाहे जो भी खेती हो। और हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स है ना, चाहे धान हो या दाल हो या सब्जियां हो या फूल हो या आपके नारियल के पेड़ हो या फलों के पेड़ हो, सबके लिए आपको एक ही जैसे 11-12 प्रोडक्ट है, और उससे 19-20 आपको जैसे इस्तेमाल करना है। तो हर समय आप विश्ववतहर को हमारे जूम मीटिंग पे जुड़े रहिएगा, हमारे पार्थो सर भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, तो आप इससे आपको पता चलेगा कि कैसा इन प्रोडक्ट को आपको इस्तेमाल करना है। तो समझ गए सर जी, ब्लैक मैजिक को बोने के समय 80 ग्राम एक एकड़ में डालना है, और फिर से 45 दिन के बाद
इसको फिर से रिपीट करना है, 80 ग्राम एक एकड़। ये रूट एनहांसर है बस, इसमें फल्विक एसिड है। दूसरा चीज मैं बोलूंगा, हमारे बहुत 4-5 प्रोडक्ट में फल्विक एसिड है। ये फल्विक एसिड क्या है कि 4% दिया गया है। दोस्तों फल्विक एसिड का बहुत ही बड़ा काम है, जो पहले मीटिंग में भी मैं बताया हूं। हम तो जमीन को पौष्टिकार कर देते हैं, लेकिन उस पौष्टिकार को पेड़ों तक पहुंचाने के लिए फल्विक एसिड का काम होता है। फल्विक एसिड क्या करता है, जड़ों से उस पौष्टिकता को पहुंचाता है, चाहे कोई खनिज हो या आपका मैग्नीशियम हो, कॉपर हो, फॉस्फरस हो, पोटेशियम हो, नाइट्रोजन हो, जो जो भी खाना पौधों को जरूरत है, वो फल्विक एसिड ही आपके मिट्टी से लेके जड़ द्वारा पहुंचाता है। तो ये फल्विक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा हर पदार्थ में है, जैकपॉट में भी देखिएगा कि ये, अब जैकपॉट बहुत सारे लोग जमीन में डालते हैं। मैं समझता हूं जैकपॉट को जमीन में डालने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफी प्रोडक्ट्स हैं जमीन के पौष्टिकार बढ़ाने के लिए। मैं समझता हूं जो मैं जितना मेरे अनुभव है, जैकपॉट एक हार्मोन है। कितने लोगों को यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे डालिएगा, हार्मोन के बारे में कभी सुना है कि नहीं? खेती में हार्मोन का क्या काम है, कृपया करके हमको चैट बॉक्स में तुरंत टाइप करके बताइएगा। और यदि कोई भी किसान आपको पूछा है क्या आपके पास कोई हार्मोन है, कभी पूछा है किसी को, जरा सा चैट बॉक्स में। ओके, नो सर, नो आइडिया सर। ओके, अब आपको मैं बताता हूं, सर्वश्री का कंपनी का जो R&D डिपार्टमेंट है, बहुत ही बड़ी सोच समझ के आपको प्रोडक्ट दिया है। ये जो है आपका जैकपॉट, यही है हार्मोन। ये क्या करता है कि आपके पैदावार को वजन बढ़ाता है, आपके फूल फल को बड़े बड़े वजनदार बनाता है, जैसे गोभी हो, कैबेज हो, आपके फल हो, फूल हो, धान हो। धान में एक एक कली में 510 तक कली दाने बना के छोड़ देता है जैकपॉट। तो इसके लिए आपको फूल आने के समय इसको आपको स्प्रे करना है, हफ्ते में 2 बार पौधों पे फूल आने के बाद। तो ये चीज मैं आपको बाद में बता देता हूं, लेकिन ये जो हार्मोन है जबरदस्त चीज है। देखिए इसमें फल्विक एसिड है, आपके पास नेचुरल साइटोकिन्स है, अमीनो एसिड्स है, नेचुरल एंजाइम्स भी है। तो ये एक हार्मोन है, कृपया करके ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट अपना एक हार्मोन है। यही हार्मोन हम सबको एकदम वजनदार पैदावार देता है, ताकि किसानों को भी जब बेचने जाते हैं तो उनको काफी लाभ होता है, पैसे भी अधिक आते हैं। मैं बहुत सारे खेत देखा हूं, जैकपॉट से एक लड़ी में 510 दाने निकले हैं, जैकपॉट और मैक्स के साथ, और ह्यूमस तो है ही है। तो ये एक हार्मोन है जो आपको फूल आने के बाद आपको स्प्रे करना है। जमीन में डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन अपने पास फल्विक एसिड बहुत सारे, आपको रूट्स में है, मैक्स में है, आपको ग्रीन में भी फल्विक एसिड है। ओके, अभी ग्रीन, ये ग्रीन का काम क्या है, ग्रीन इज अ जर्मिनेटर। तो ये जर्मिनेशन आपको आपको जमीन में भी डालना है, पौधों पे भी स्प्रे भी कर सकता है। ये आपको ग्रीन आपका जो सीड मैनेजमेंट में बहुत बहुत काम करता है। सीड मैनेजमेंट में आप जब जब आप बीज खरीदते हो ना, 1 kg बीज में, अब मैं साथ साथ बता देता हूं ताकि समय ज्यादा ना हो, क्योंकि मैनेजमेंट अलग अलग से बताना है तो बहुत समय ले लेगा। तो आपको ये ग्रीन जो है, जब आप बीज बोने के पहले
जैसे बैगन होता है या आपके दाल होते हैं या कोई भी सब्जियां होता है, तो उनमें आपका कीड़ा लग जाता है, बीज में ही कीड़ा हो जाता है। तो उसीलिए आप जब बो देते हो तो देखिएगा जड़ से ही कीड़ा आके पूरा फसल को बर्बाद कर देता है। तो आपको क्या करना है, सीड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड मैनेजमेंट क्या क्या करना है आपको, आपको 50 ml ग्रीन, 50 ml नीम, 15 लीटर पानी में अच्छे से भिगो के 1 kg बीज उनमें 4 से 5 घंटे भिगो के रख लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 50 ml ग्रीन, 50 ml सरवा नीम, 1 kg बीज के लिए 15 लीटर पानी में मिला के बीजों को बो उसमें डाल के मिला के आप रख दीजिए 4-5 घंटे। उसके बाद बीजों को निकाल के अच्छी तरह सुखा दीजिए 2-3 घंटे धूप में, और जितना भी उसमें नमी है पूरा निकल जाना है। और बाद में आप जब जमीन में बोएंगे ना तो आपका कीड़े मर जाते हैं और आपका जड़ से कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। ये आपको सीड मैनेजमेंट में करना है। जितना केजी ज्यादा होता है उतना आपको ये मिला के बड़े बड़े ड्रम्स में आपको करना है, समझ गए। तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको क्या होता है कि जो बीज हैं, बेचारे किसान तो खरीद के लाते हैं, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि ये बीज का 50 से 60% उगते हैं, बाद बाकी सब उगते ही नहीं है। तो आप सोचे किसान को कितना लॉस है, फिर से वो 50-60 में फिर से कीड़े भी लग जाते हैं। तो इससे ही आज भी किसान बेचारा मरा फिरा घूम रहा है, खोज रहा है कि हमको कोई भी ऐसा सच्ची सलाह दे ताकि मैं कुछ पैसा बनाऊं और अपने अपने परिवार को खुशियां लाऊं, अपना जिंदगी को बदलूं। तो जी हाँ, आज है सर्वश्री के एग्रो प्रोडक्ट्स, हम सर्वश्री ही किसानों के जिंदगी को बदल पाएंगे। उसी लिए हमारे मैनेजमेंट ने ये एग्रो प्रोडक्ट की आपको हर दशवता रखा, क्यों, क्योंकि आप अपने किसान का जिंदगी को बदल पाए, जिंदगी किसानों के जिंदगी में खुशहाली राय सिर्फ और सिर्फ सर्वश्री कर सकते हैं और ईमानदारी से कर सकते हैं। ये नहीं कि हम टाई वाई पहन के कोट पहन के किसान के पास गए, प्रोडक्ट दे चुके हैं, वापस फिर से दिखाई नहीं दे, ऐसा कभी मत करिएगा। आपको ना टाई पहनना है ना कोट पहनना है, सादा ड्रेस में जाइएगा, किसानों के साथ बैठिएगा, जमीन में बैठ के मैं बोलता हूं यदि आप उनसे मिल पाओगे तो आपको सोने में सुहागा, आपका बिजनेस में बढ़ोतरी, आपके किसानों से विश्वास की बढ़ोतरी और आपके सेल्स में भी बढ़ोतरी और कंपनी में भी बढ़ोतरी। ये आपको करना है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट देके वापस नहीं आना है, आप उनके सामने ही इस्तेमाल करवाइएगा, सब कुछ डिब्बा खोल के कैसा इस्तेमाल करना है दिखा दीजिएगा, तब वो किसान को आप पे विश्वास रहेगा, सर्वश्री के ऊपर विश्वास रहेगा और बार बार खोज खोज के आपके घर पे पहुंचेगा, सर जी प्रोडक्ट चाहिए, सर जी प्रोडक्ट चाहिए। ये आपको करना है, इसके लिए ही हमारे मैनेजमेंट ने आपको ऐसा एक प्रोडक्ट सौंपा है, प्यार बांटो प्रोडक्ट से बांटो, प्यार बांटना है और प्यार से प्रोडक्ट को भी देना है, तब देखिए ये प्यार ये सर्वश्री के प्रोडक्ट के साथ किसानों के फसलों में सोना ही उगेगा और कभी कभी आपको किसी तरह की मौका भी नहीं मिलेगा किसी तरह की कंप्लेंट से, ये मैं ढाबे से कह सकता हूं। तो ये क्या है कि ये जर्मिनेशन को उकसाता है और बढ़ावा देता है। बहुत सारे बीज जो है 10-15 दिन लगता है आपके बीज को उगाने में, ये सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 दिन में आपको बीज उगा के दे देता है। और उगाना ही नहीं, जड़ को मजबूत से उगाता है और हरे भरे पत्तों से उगता है,
मतलब पौधों का रोग प्रतिरोग शक्ति को मजबूत करता है। जैसा एक बच्चा 3 केजी से जन्म लेता है, सुंदर सा बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही ये पौधा भी जब जमीन से उगता है तो हरा भरा थटका पत्तों के साथ और मजबूत जड़ के साथ उगता है। फसल देखने में भी जबरदस्त होता है। तो ये है ग्रीन का काम। उसमें क्या है कि क्या नहीं है, पीडीएफ में सब है, मुझे ज्यादा उसमें समय नहीं कराना है। अब रहा मैक्स। मैक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है ना सर, हर किसान को इसको इसको हाथ में देना है। सर मैक्स नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास नाइट्रोजन के लिए भरपूर है यूमिक ग्रेन्यूल्स, हमारे पास फॉस्फोरस और पोटेशियम का 50% है मैक्स में। दोस्तों कृपया करके ध्यान दीजिए मैं किस से क्या बोल रहा हूं। आप सब एनपीके सुने होंगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, बहुत ही अनिवार्य है पैदावार के लिए, अच्छे पैदावार के लिए। और हमारे मैक्स में 50% पोटेशियम और फॉस्फोरस है, और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक लिक्विड में 30% नाइट्रोजन है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये दोनों चीज तो हमेशा आपको डालना ही है। ये बहुत सारे लोग देखा हो ना, ग्रैन्यूल्स यूज करते हैं ना लिक्विड को यूज करते हैं, सीधा पेड़ों पे स्प्रे करने वाला चीज करते हैं। कृपया करके ऐसा मत करिएगा। हम यहाँ पे पेड़ों पे पेस्टिसाइड वाली काम नहीं कर रहे हैं, हम टिकाऊ कृषि पे काम करते हैं। जी हाँ, पेड़ों पे तो कीटाणु आएंगे, उसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास, 4 से 5 प्रोडक्ट है जो आपको इस्तेमाल करना है, वो मैं धीरे आगे बढ़ूंगा। अब मैक्स जो है ये आपको जमीन में जब बोते समय 500 ml डालना है, 1 एकड़ की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हर राज्य में 1 एकड़ अलग अलग से मापा जाता है। कोई 3 बीघा, तो कोई 5 बीघा, तो कोई 3.5 बीघा, तो कोई 2 बीघा। तो इसलिए मैं 1 एकड़ की माप से आपको बताता हूं कि मैक्स को 300 ml ग्रीन, 500 ml मैक्स और 80 ग्राम ब्लैक मैजिक। मैं फिर से दोहरा देता हूं, 300 ml ग्रीन, 500 ml मैक्स और 80 ग्राम आपका ब्लैक मैजिक। ये तीनों को पानी में घोल के आप जमीन में डाल दीजिएगा। कब डालना है? बोने के बाद एक बार, और 45 दिन के बाद और एक बार रिपीट कर दीजिएगा इस प्रोसेस को। देखिए आपका जमीन कैसा बनेगा, कितना जबरदस्त बनेगा। बोने के समय डाल देंगे ना, तो ये पत्ते पीले हो जाना, पत्ते सिकुड़ जाना, मतलब पत्ते अंदर से रोल हो जाना, ये सब बंद हो जाएगा। और उसके साथ आपको नाइट्रोजन भी डालना है, नाइट्रोजन के कमी के कारण भी ये का होता है। और दूसरा है, पानी की सिंचाई यदि आप सही तरह से नहीं करोगे ना, ज्यादा पानी डालने से भी प्रॉब्लम है, कम पानी डालने से भी प्रॉब्लम है। तो पानी की तो बहुत बहुत आपको देख सोच समझ के डालना है। शायद किसान तो एक्सपर्ट ही होंगे, ये अपना काम नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको बता देना है पानी ज्यादा हो रहा है, जरा सा कम कर देना। क्योंकि अपना जब लिक्विड ह्यूमिक और ग्रैन्यूल यूज करते हैं तो पानी की तो कम ही लगता है। यही है खासियत सर्वसी के प्रोडक्ट का। बेचारे किसान जो सिर्फ और सिर्फ बारिश पे डिपेंड करता है, तो उनके लिए तो हमारे प्रोडक्ट तो रामबाण जैसा है, क्योंकि पानी की कमी से भी अच्छा पैदावार आप उगा सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ सर्वश्री के कृषि पदार्थों के साथ। तो इसीलिए कभी भी आप ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स या ह्यूमिक लिक्विड को अनदेखी मत करिए, वो तो डालना ही है। चाहे पैदावार शुरू हो गया है, फिर भी आप एक बार डाल दीजिएगा, ये काम आपको जरूर करना है। ओके, तो मैक्स के संबंध में जब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और ये मैक्स को
जब फुल जब होता है तब आपको मैक्स को 15 ml और 20 से 25 ml जैकपॉट को 10 ml स्टिकर के साथ मिला के हफ्ते में 2 बार स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा। देखिए आपको आपका जो पैदावार है, जो दाने हैं या दाल है या फल है या फूल है, ये सब सब्जियां हैं, ये सब वजनदार बड़े बड़े हो जाते हैं, हाइब्रिड वैरायटी मिल जाता है आपको। स्टिकर एक चीज को भी बहुत सारे लोग अनजाने देते हैं, जैसे कि खरपतवार में, वीड मैनेजमेंट में स्टिकर का बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसके पहले मैंने आप लोगों को ग्लाइफोस्फेट के बारे में बताया गया है, अब मैं देखा हूं कि ग्लाइफोस्फेट को बैन किया गया है इंडिया में, अब पता नहीं क्यों, क्योंकि अमेरिका में अभी भी ग्लाइफोस्फेट इस्तेमाल कर रहा है। मैं हिस्ट्री 18 बोल के एक चैनल है जहां पे फूडटेक बोल के एक जगह है, वहां पे मैंने देखा था कि खाने वाले के जो सब्जियां लोग पदार्थ बनाते हैं तो उनका खुद का फसल होता है, वहां पे उन लोग ने ग्लाइफोस्फेट से ही खरपतवार को रोक के रखा है। लेकिन भारत में पता नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, उसीलिए शायद इसको बैन कर दिया। कोई बात नहीं है, आज मैं आपको दूसरा एक तरीका बता देता हूँ, शायद बहुत सारे लोग जो हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उनको पता है कि खरपतवार का रोकने के लिए आपको क्या करना है। मैं फिर से 1 एकड़ की जमीन के लिए बता देता हूँ, जोतने के समय ही आपको 500 ml तरवा नीम लीजिएगा, 500 ml तरवा नीम और 100 ml स्टिकर, 500 ml सरवा नीम और 100 ml का स्टिकर दोनों को मिला के जमीन में डाल के फिर से जोतने शुरू कर दीजिए ताकि मिट्टी से अच्छे मिल जाए। तो देखेंगे कि जो भी जो खरपतवार उग रहा है वो धीरे धीरे सूख जाएगा। तो ये 2-3 बार आप जब कर पाओगे तो देखिएगा धीरे धीरे ये रुक जाएगा, आपके खरपतवार की समस्या धीरे धीरे हल होने लगेगा। किसी तरह के रासायनिक पदार्थ से स्प्रे मत करिएगा खरपतवार के लिए। आप कृपया करके अपने किसानों को बताइएगा जोतने के समय ही 500 ml नीम और 100 ml स्टिकर के साथ मिला के आप जमीन में डाल दोगे ना तो खरपतवार को धीरे 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 रोक पाओगे। और कभी कभी हाथ से भी उखाड़ना है, क्योंकि जितने भी खरपतवार है उसका जो जड़ है बहुत नीचे तक चले जाता है, तो हम ऊपर से जब जोतते हैं तो नीचे में अभी भी जड़ जाता है, तो फिर से जब हम अपने प्रोडक्ट देते हैं या सिंचाई करते हैं तो फिर से उग जाता है। तो कभी कभी आपको जड़ से उसे उखाड़ने के लिए हाथ भी इस्तेमाल करना है, हाथ से उखाड़ के उसको उस जड़ को जला के छोड़ देना है। अब यहाँ वहां मत फेंकिएगा, सबको एक जगह इकट्ठा करके जला दीजिएगा तो काफी अच्छा काम करेगा आपके पैदावार के लिए और खरपतवार को रोकने के लिए। जी, पानी के साथ ही मिलाना, ऑब्वियसली 1 एकड़ में तो 100 ml और 500 ml तो होगा नहीं, तकरीबन 150 से 150 लीटर पानी काफी है। आप पानी में जड़ पे पूरा मिट्टी में पूरा स्प्रे करके आप जोतने शुरू कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये स्टिकर जो है जब जब आप पौधे पे स्प्रे करते हो ना, स्टिकर को मिलाना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि एक बहुत सारे लोग मैक्स को बोलते हैं सर मैक्स स्प्रेडर है, भैया स्प्रेड करना और स्टिकिंग करना दोनों अलग चीज है। फैलाना तो ठीक है, लेकिन पकड़ के रखना अपना जो पॉडेट्स का स्प्रे कर रहे हैं उसको पकड़ के रखना, ज्यादा देर तक असर करना, ये स्टिकर का काम है। कुछ लोग हमको पूछते हैं सर मैक्स के ऊपर लिखा है इट्स अ वेरी गुड स्प्रेडर। जी हाँ, वो फैलाता है अच्छी तरह से, स्प्रेड करता है, लेकिन स्टिकर जो है हम जो पौधों पे स्प्रे करते हैं उसको पकड़ के रखता है ताकि वो बाप ना हो जाए और ज्यादा देर तक असर करे। तो उसीलिए जब जब आप पौधों पे कोई भी चीज स्प्रे करते हो तो स्टिकर को क्या कितना मिलाना है, स्टैंडर्ड है 10 ml 15 लीटर पानी,
15 लीटर की पिचकारी में 10 ml मिला के उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट को मिला के स्प्रे करना है, एकदम स्टैंडर्ड और फिक्स्ड है। नीम सबसे सबसे अद्भुत एक प्रोडक्ट है। इसमें कलौंजी और नीम का तेल दिया हुआ है। हम सब जानते हैं कि तेल कभी पानी से मिलता नहीं है, घुलता नहीं है, हम सबको पता है कि नहीं। मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में कितने लोग एक्टिव हैं, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, कि सो जा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं कि क्या कर रहा है। जी रमकिया प्रसाद जी, तो नीम एक भगवान ने ऐसा एक बताया कि नीम का तेल पानी में घुल जाता है। अद्भुत अद्भुत भगवान का देन है नीम हम सबको। शरीर में खुजली हो रहा है, नीम के पत्ते लाइएगा, पानी में भिगो के उसको रख दीजिएगा, उसी पानी से नहाइएगा, आपके खुजली उजली स्किन का प्रॉब्लम पूरा खत्म। कृपया करके सर्वा नीम इस्तेमाल मत करिएगा, ये सिर्फ पौधों के लिए है। आपको सिर्फ पत्ते लाना है, नहीं तो हमारे कंपनी में ब्लड केयर है, नीम टैबलेट है, बीएलडी केयर है, और आपका प्रीमियम नीम सॉल्यूशन है ब्यूटी केयर में, देखिएगा। इससे आप अच्छे तरह पूरे शरीर को स्प्रे करके रख लीजिएगा 20 आधे घंटे तक, उसके बाद स्नान करिएगा, देखिएगा आपका खुजली का इफेक्ट या स्किन का प्रॉब्लम का समस्या हल हो जाएगा। तो चलिए सर्वा नीम को आपको जमीन में डालना है, आपको पौधों पे स्प्रे करना है। ये एक नेचुरल एंटी वायरल एंटी फंगल प्रोडक्ट है। जितने भी वायरस हैं वो सबको मार गिराता है सर्वा नीम। यदि अपने पास सुपर और डॉक्टर गोल्ड नहीं है, जो अभी आपको स्टॉक में नहीं है क्योंकि बहुत डिमांड हो गया है, अद्भुत प्रोडक्ट्स है, तो इसको फिर से मैनेजमेंट ने अच्छी तरह से उसको बनाने के लिए प्लान कर रहा है, बड़े पैकेट में लाने का प्लान कर रहे हैं, उसीलिए फिलहाल उसको रोक के रखा है क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसीलिए। लेकिन आपको कोई चिंता की कोई बात नहीं है, आप सर्वा नीम और फंजी ये दोनों से भी आप पूरा फंगल इन्फेक्शन वायरस इन्फेक्शन को मार गिरा सकते। यदि आपके पास नीम और फंजी है, फंजी भी और एक प्रोडक्ट है शायद आप सबको पता है, यदि सुपर गोल्ड नहीं है और डॉक्टर गोल्ड नहीं है, तो आप नीम को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, मतलब 25 ml नीम आप 15 लीटर पानी में 5 ग्राम फंजी के साथ और 10 ml स्टिकर के साथ हफ्ते में दो बार स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा। ये है आपका कीटाणुओं का निवारण, वायरस का निवारण के लिए, समाधान के लिए आपको क्या करना है, 25 ml नीम 5 ग्राम फंजी, और यदि सुपर गोल्ड है तो 15 ml नीम और 30 ग्राम सुपर गोल्ड और 10 ml स्टिकर तो स्टैंडर्ड है। ये तीनों को 15 लीटर पानी में घोल के आपको हफ्ते में दो बार स्प्रे करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको पास यदि फंजी और नीम है तो फंगल वायरस इंफेक्शन से आपको बचना है, तो आपको फंजी होने से 25 ml नीम होना चाहिए, 5 ग्राम फंजी होना चाहिए और 10 ml शिकर के साथ हफ्ते में दो बार स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा। और यदि आपके पास सुपर गोल्ड है तो 15 ml नीम 30 ग्राम सुपर गोल्ड और 10 ml शिकर के साथ 15 लीटर पानी में घोल के आपको हफ्ते में दो बार स्प्रे करके छोड़ देना है। नहीं, हर महीना इसी मिश्रण को महीने में दो बार स्प्रे करके छोड़ना है। इससे क्या होगा कि आपके वायरल और फंगस इन्फेक्शन से समाधान मिल गया है, आपको इस समस्या से छुटकारा। अभी अंडे मिलते हैं बहुत सारे, देखो कि सादा अंडे आ जाते हैं, एफिड्स जिसको बोलते हैं, तो ये एफिड्स अंडे जो है ना, ये एफिड्स वाले को क्या करना है, कृपया करके पहले आप ये नीम सुपर गोल्ड ये सब मत दीजिएगा,
आपको क्या करना है, पानी के साथ अच्छी तरह स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा। पहले वो एफिड्स या वो अंडे सब धुल जाएंगे, वो मिट्टी पे गिर जाएंगे। मिट्टी में गिरते ही मिट्टी में जितने कीटाणु हैं वो खा लेते हैं उसको, वो फिर से बड़े नहीं होते हैं। एक बार ये अंडे या एफिड मिट्टी में गिर गए ना तो उसको खा लेते हैं दूसरे कीड़े, तो प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाता है जमीन में। तो उसीलिए जब जब अंडे होते हैं सादा सादा दादे, तो कृपया करके अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिएगा, धुला दीजिएगा। लेकिन बड़ा ये अंडे भी बड़ा जिद्दी होते हैं, वो नीचे से रहते हैं, तब आपको नीम और पंजी या नीम और सुपर गोल्ड डाल के आप उनको मार सकते हो। समझ में आया? अब आपको जमीन में यदि कोई कीटाणु खराब कीटाणु है, जैसे दीमक है या बहुत सारे दूसरे कीटाणु हैं, तो वो यदि जड़ से खा ले रहा है, जैसे नेमेटोड्स हैं, तब आपको बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको, यदि आपके पास डॉक्टर गोल्ड नहीं है, यदि डॉक्टर गोल्ड नहीं है, तो नीम को जरा कॉन्सेंट्रेट मिला के आपको जमीन में डालना है। मतलब आपको तकरीबन 50 ml 15 लीटर पानी में घोल के आपको जमीन में स्प्रे करना है। आप ड्रिप थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा कोई भी तरह से आप जो सिंचाई करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड नीम आपको जमीन में डालना है, यदि आपके पास डॉक्टर गोल्ड नहीं है। यदि आपके पास डॉक्टर गोल्ड है तो 150 ml 150 लीटर पानी में मिला के आप जमीन में डाल दीजिएगा। ये है एक एकड़ के लिए हिसाब। एक एकड़ के लिए आपको डॉक्टर गोल्ड 150 ml 150 लीटर पानी में मिला के आपको जमीन में डाल देना है। इससे आपके दीमक का प्रॉब्लम या जितने भी नेमेटोड्स हैं, ये सब से आप बच पाओगे जमीन के अंदर से। ओके जी, तो ये है पंजी, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये है डॉक्टर गोल्ड, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। ये भी सुपर गोल्ड, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। तो इतने ही सारे प्रोडक्ट्स है हमारे पास दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको मैं एक पीडीएफ दिखाता हूं अभी, कि ये वीड मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट, आपका पेस्ट मैनेजमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट कैसा करना है, ये एक मैं शेयर करके छोड़ देता हूं, और बाद में यहां पे देखिएगा हाउ टू यूज एसेंशियल प्रोडक्ट्स। वीड मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या करना है, ये सब जितने भी बताया हूं एक एकड़ के लिए बताया हूं। यहाँ पे आपको 500 ml जो मैंने पहले भी बताया था, नीम और 100 ml स्टिकर को मिला के जमीन के जोतने समय आपको डालना है, और बोने के एक महीने पहले ये प्रतिक्रिया करके छोड़ देना। बोने के एक महीना पहले ये प्रतिक्रिया करके छोड़ देना है, ताकि आपका बोने के समय पेड़ में कोई इफेक्ट ना हो। डॉक्टर गोल्ड क्या है? कुछ नहीं है, इट्स नेमेटोड्स को मारने के लिए है डॉक्टर गोल्ड। आपको जमीन में 150 ml 150 लीटर पानी में एक एकड़ में डालना है, बस यही हिसाब है। इट इज टू बी यूज ओनली इन दी सॉइल एंड नॉट ऑन दी प्लांट। ऑन दी प्लांट स्प्रे के लिए आपके पास सुपर गोल्ड है, पंजी है, नीम है। ओके सर, अभी सीड मैनेजमेंट के लिए देखिएगा, आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 50 ml नीम, 50 ml ग्रीन आपको 15 लीटर पानी में मिला के 1 kg बीज उसमें आप भिगो के, आप 4-5 घंटे तक भिगो के, उसके बाद निकाल के अच्छी तरह सुखा के उसमें जितना भी नमी है पहले आपको सब निकाल देना है, उसके बाद बोने के लिए रेडी है।
अब है सॉइल मैनेजमेंट, एक एकड़ के लिए आपको क्या क्या डालना है। आप देखिए, ग्रीन डालना है आपको 350 में, कहा 300 से 350 ml, मैक्स है 450 से 500 ml, यूमिक ग्रैन्यूल्स है 5 kg, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है 80 ग्राम, और यूमिक लैंग्विड अल्टरनेटिव है 300 ml, मतलब ग्रैन्यूल्स नहीं होने से आप यूनिक लिक्विड को 300 ml। आप इसको, आप ग्रैन्यूल्स को टिलिंग का टाइम दे सकते हैं या जोतने का समय, यदि आप ग्रैन्यूल्स इस्तेमाल नहीं किए हो तो बोने का समय आपको यूमिक लिक्विड इस्तेमाल करवाना है 300 ml। इसी को आपको 45 दिन के बाद फिर से इसी प्रोसेस को फिर से दोहराना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, पेस्ट मैनेजमेंट देख लीजिएगा, ओ प्रसाद जी जरा सुन लीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट मैनेजमेंट 15 ml नीम सुपर गोल्ड 30 ग्राम्स एंड 10 ml स्टिकर 15 लीटर पानी में मिला के एक हफ्ते में, यू हैव टू स्प्रे इन 1 week ट्वाइस। इसी प्रोसेस को फिर से एवरी मंथ ट्वाइस आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा। इससे आपको पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, बचा सकते हैं फंगल इंफेक्शन से। और जो जमीन में नेमेटोड्स है, बैक्टीरिया है, ये सबसे दीमक है, इससे बचने के लिए आपको 150 ग्राम 150 से 200 लीटर पानी में डॉक्टर गोल्ड को मिला के आपको जमीन में डाल देना है। इससे आपके जितने भी खराब नेमेटोड्स है या कीड़े हैं जमीन में, उसको मार गिराता है। और यदि आपके पास डॉक्टर गोल्ड नहीं है तो आप अपना सरवा नीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड 50 ml इन 50 liters ऑफ वाटर मिक्स करके आपको जमीन में डालना है। तो 50 × 10 500 ml आपको एक एकड़ में अप्रोक्सीमेटली इस्तेमाल करना है आपको इसको मार गिराने के लिए नेमेटोड्स और दूसरे कीड़ों से। अब है क्रॉप मैनेजमेंट। आपको यदि हाइब्रिड वैरायटी, ज्यादा उत्पाद और बड़े बड़े वजनदार फल सब्जियां सब आना है तो आपको क्या करना है, 15 लीटर पानी में आपको 10 से 15 ml मैक्स, 20 से 25 ml जैकपॉट और 10 ml स्टिकर मिला के आपको पानी के, आपको पौधों के ऊपर हफ्ते में 2 बार स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा। देखिएगा, आप जो पैदावार किए हो ना, किसान के आंखों में खुशियां ही खुशियां हैं, एकदम मेरी बात मानिएगा, किसान बहुत ही खुश होगा और पैदावार भी। मैंने अभी धान का, मैंने रिसेंटली आंध्रा में गया था, वहां से किसान ने मुझे 1 kg चावल दिया था। वो 1 kg जो चावल खाने से ना, हम जो 60-70 रुपया देके जो चावल खाते हैं ना, उससे 10 गुना टेस्टी था। 100 ग्राम में इतना चावल बन गया है और इतना टेस्टी था कि आप पूछिए मत मुझे, इतना टेस्टी था वो चीज। ऐसे ही सर्वश्री के एग्रो प्रोडक्ट भी बनता है, आप विश्वास से आप इस्तेमाल करवाइएगा, इस्तेमाल से दीजिएगा, प्यार तो जरूर दीजिएगा किसानों को, और कंधों पे कंधों हाथ डाल के आप उनको ये समझाएंगे तो जरूर किसान भी खुश, आप भी खुश और हम सब खुश रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतने प्यार से जुड़े हुए हैं और आप सबको सर्वश्री की प्रशिक्षण विभाग की ओर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और उसके पहले दिन धनतेरस की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आप हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और फूलते फले सर्वश्री के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय सर्वश्री। टेल यू टू ऑल।